नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल योगी मित्रा कंप्यूटर्स में। आज के इस वीडियो में हम अपने MI पोर्टेबल एयर कंप्रेसर को रिपेयर करेंगे। उसको रिपेयर करने के लिए मेरे पास है टूल किट, स्क्रू ड्राइवर और एक ओरिंग किट जो कि मैंने अमेजन से ऑर्डर करके मंगाई है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मेरा MI का ये पोर्टेबल एयर कंप्रेसर हालांकि ऑन है और बस ये हवा नहीं दे रहा है, हवा नहीं दे रहा है, तो आइए इसी को रिपेयर करते हैं। उसको ओपन करके उसको रिपेयर करते हैं। सबसे पहले हम इस हिस्से को ओपन करेंगे। इसमें लॉक होते हैं और उन्हीं लोगों को हम ओपन कर सकते। ये हमारा ओपन हो गया। अब इसको हम स्क्रू ड्राइवर को अब इसको हम स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से सारे स्क्रू ओपन कर देते। तो चारों स्क्रू हमारे ओपन हो चुके हैं। अब इसको हम बाहर ऐसे इसको निकाल लेते हैं और इसको बाहर ये देखो वैसे बाहर ये अलग हो गया और ये अलग। अब इसमें हम ये सारे स्क्रू ओपन करेंगे। ये हमारे सारे स्क्रू निकल चुके हैं। अब इसको हम लॉक ओपन हो गया। अब इसको यहां से ओपन करेंगे। स्क्रू दिखे हैं, ये स्क्रू दिख रहे हैं आपको। अब इस क्लिप को यहाँ से निकालते हैं। ये क्लिप निकल गए। अब ये जो है इसको हम बाहर निकालते हैं। वो इसका ये हिस्सा है, बाहर निकाल लेते हैं। वो हिस्सा है जिससे ये हवा जनरेट करता है, हवा बनाता है और इसकी जो रबर है ये हो चुकी है खराब। इसको ओरिंग किट बोलते हैं। इसको निकाल देते हैं बाहर। ये देखो ये यहाँ से डैमेज हो चुकी है। अब हम इसमें नई और इसको डालते हैं। अब इसमें हम नई और इसको डालते हैं।
अब इसमें हम ये नई वाली ओरिंग इसमें इंस्टॉल करते हैं और इसके बाद इसको ये देखिए बड़ी आसानी से इसमें फिट हो गई। इस पिन को लगाते हैं ये पिन लग चुकी है आप देख सकते हैं। अब इसको हम फिट कर देते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं पंप हमारा सही हुआ है नहीं हुआ, हवा दे रहा है या नहीं दे रहा। अब इसमें से हवा आने लगी और ये ये हमारा एम आई का जो ये कंप्रेसर है अब ये ठीक हो चुका है, रिपेयर हो चुका है और तो कैसी लगी ये वीडियो आपको? ऐसी मजेदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। कमेंट करके बताएं कि आपको इस वीडियो से हेल्प मिली या नहीं मिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।